एजेएल प्लांट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने हुड्डा पर इस मामले में आरोप तय किए हैं। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 120B व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय किए। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आज आरोप तय होने के बाद अब अगली सुनवाई में मुख्य ट्रायल शुरू होगा। वहीं बचाव पक्ष द्वारा मामले में लगाई गई डिस्चार्ज याचिका को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 7 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज होने का सिलसिला शुरू होगा। बता दें कि एजेएल प्लॉट आवंटन मामले के दूसरे मुख्य आरोपी रहे एजेएल हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा की मौत हो चुकी है। सर, आज प्लॉट आवंटन मामले की सुनवाई थी, सर क्या बना सर बताएंगे? इसमें आज जो कल आर्गुमेंट हुई थी चार्ज पे, उसके बाद आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने के लिए ऑर्डर पास किए थे। चार्जेस फ्रेम हो गए हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट डेट 7 मई के लिए फिक्स कर दिया है, 2 गवाहों के लिए जो है समन इशू कर दिया। तो आज कौन कौन पेश हुआ था सर कोर्ट में? एक एक मिनट। चलिए अब आपको बताते हैं एजेएल प्लॉट आवंटन का पूरा मामला क्या था। 24 अगस्त 1982 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड के हिंदी अखबार नवजीवन को पंचकुला सेक्टर 6 में 3,360 वर्ग मीटर का प्लॉट अलॉट किया था। कंपनी को इस पर 6 माह में निर्माण शुरू करके 2 साल में काम पूरा करना था, लेकिन वो 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद 30 अक्टूबर 1992 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुड्डा ने आवंटन को रद्द कर दिया था। इसके बाद 18 अगस्त 1995 को नए आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें एजेएल कंपनी को भी आवेदन करने की छूट दी गई। इसी दौरान 14 मार्च 1998 को एजेएल की ओर से आबिद हुसैन ने हुड्डा के चेयरमैन को पूर्व प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली की अपील की। 14 मई 2005 को हुड्डा के चेयरमैन ने अफसरों को एजेएल कंपनी के प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली की संभावनाएं तलाशने को कहा, लेकिन कानून विभाग ने अलॉटमेंट बहाली के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। पंचकुला से उमंग शिवराण, पंजाब केसरी टीवी।